एक तरफ जहां भवानी काकू और अश्विनी है जो सोच सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि सभी अभी तक घर में नहीं है और ना ही वो लौटी है। जिसके बाद में भवानी काकू कहती है कि सभी कहाँ गई और लड़के ही कुछ ही देर में लड़के वाले पहुंचने वाले हैं तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे और हमारी बेटी तो कहीं बाहर घूम रही है हमारी पोती। लेकिन यहाँ पर सभी है जो बहुत जल्दी ही घर पहुँचने की कोशिश करती है। लेकिन दूसरी तरफ ईशान की मॉम से बातें करते हुए वो बहुत ज़्यादा खुश भी दिखाई दे रही है। ईशान की मॉम कहती है कि आज तुम बहुत खुश होंगी क्योंकि तुम्हें ट्रॉफी मिली है। तो ईशान की मॉम से सभी कहती है अगर मैं टाइम से घर नहीं पहुंची ना तो ये ट्रॉफी और ये सपने चूर चूर हो जाएंगे क्योंकि मेरे लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं। तो सभी की ईशान की मॉम कहती है कि तुम्हें इतना जल्दी शादी भी नहीं करना चाहिए। तो वो कहती है कि मैं तो नहीं करना चाहती लेकिन घर वाले मुझसे ज़बरदस्ती करवा रहे हैं। मैं तो IAS बनना चाहती हूँ लेकिन घर वाले मुझे नहीं बनना देना चाहते क्योंकि मेरे पिता भी IAS थे और वो किसी हादसे का शिकार हो गए। तो मेरे घर वाले नहीं चाहते कि मैं सिस्टम का हिस्सा बनूँ और किसी हादसे का शिकार हो जाऊँ। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सभी और उसकी है जो कहानी में क्या हमें ट्विस्ट ऑन टर्न देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए हो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि तमाम वीडियो है जो नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। धन्यवाद। थैंक यू।